स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। और सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? तो ना आज मैं जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और आज मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहन रही क्योंकि हमारे आज असेंबली है, तो असेंबली के लिए मैं फ्लावर बनी हूँ। तो मैंने इसके लिए ये भी बनाया है, फ्लावर का मास्क। थोड़ा सा मुड़ गया तो और मेरा बैग भी रेडी हो गया है। मैं बैग दिखाती हूँ, मेरा बैग भी रेडी हो गया है। और मैंने यहाँ पे सैनिटाइजर भी रखा है। और क्या कहते हैं, आज हम लोगों को स्कूल में जाके पोनी बनानी है, तो मैंने एक रबर बैंड भी रखा है कि मैं पोनी बना सकूँ। तो मिलते हैं, मैं तो आपको अभी स्कूल के बाद ही मिलूंगी। बैग टांग लो। सो जियो रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, और आज इसका असेंबली में है प्रोग्राम, तो इसकी वैन भी आ चुकी है। बाय बोल दो, कानू बाय बोल रहा है। चलो चलो, वैन आ गई। ये गई जीव भी। ला 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 ला। हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बेबी के रूम से। तो बेबी सोया हुआ है और मैं आज शुरुआत कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि बेबी को देख रही हूँ। इसकी मम्मा गई है हॉस्पिटल, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो वो दिखाने के लिए हॉस्पिटल चले गई है। और आज सुबह ब्लॉग की शुरुआत की थी जिया ने, क्योंकि उसके स्कूल में एक प्रोग्राम था जिसके लिए वो बहुत सारी तैयारियां कर रही थी। दो तीन दिनों से उसने खुद ही फेस मास्क बनाया था, जिसपे उसने सनफ्लावर का एक मास्क बनाया था और उसे प्ले करना था असेंबली में। तो उसके लिए जोरों शोरों से उसने तैयारियां भी की थी और रेडी हो चुकी थी जैसे आपने देखा। तो फिर हम आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब सही होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आजकल मेरी दिनचर्या ऐसी हो रही है ना, पूरी डेली रूटीन में सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर के कामों में ऐसा लग जा रहा है। और कभी कभी मैं बीच बीच में और काम भी कर रही हूँ जिनको मैं शो नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मार्केट का हो गया और कभी हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया। तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम हो जा रहे हैं जिनको मैं मतलब ऐसे निपटा रही हूँ बच्चों के साथ साथ। और अभी क्या हो रहा है कि आज के दिन में देखते हैं आज के दिन में क्या होगा। फिलहाल मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ दिन के टाइम से, तो देखते हैं क्या होता है। और बच्चों का स्कूल आने का टाइम हो रहा है, स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, और देखते हैं शहर में जो भी रहेगा कुछ टाइम, ऐसी हमारी डेली रूटीन की वीडियो जाएंगी। और फिर एक टाइम बाद हमें फिर से मैं वापस गांव जाऊंगी अपने काम पे, तो फिर से वही पहाड़ों के गाँव के वो वीडियोज भी देखने को मिलेंगी। तो आपका साथ यूँ ही बना रहे, तो करते हैं फिर आज की दिनचर्या और चलते हैं और देखते हैं क्या होता है व्लॉग में कुछ नया। सो दोस्तों, दिन का टाइम हो रहा है और बाहर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जबरदस्त धूप हो रही है। तो बाहर धूप है और अभी अभी हल्के हल्के बादल की लेस दिख रही है, तो देखते हैं और क्या होता है। और स्कूल से आ चुके हैं बच्चे, तो जिया आने के बाद देख रही है टीवी। हेलो जियो, तो क्या देख रहे हो आप टीवी पे? मैं और आज इसका स्कूल का प्रोग्राम कैसा हुआ? आपका जो सुबह तैयारी की थी वो हुआ कि नहीं हुआ? क्यों क्यों पोस्टपोन हो गया? वो क्या हुआ कि बड़े बच्चों की असेंबली ज्यादा देर तक हो रही थी। अच्छा, और कल शाम मैंने जियो का पूरा ड्रेस रेडी किया था, क्योंकि जियो को क्या बनना था आपको? मुझे फ्लावर गर्ल बनना था। तो जियो को बनना था फ्लावर गर्ल, है ना? और पूरी तैयारियां की थी इसने, बहुत सुंदर सा फ्लावर्स भी बनाया था, सनफ्लावर बनाया था, तो वो पोस्टपोन हो गई। पर इसने क्या किया है, फ्रॉक और अपना सारा जो भी मास्क मैंने मैम को दे दिया है, वो कबर्ड में रखा हुआ है। तो जब नेक्स्ट टाइम होगा तो आसानी हो जाएगी, मतलब घर से मैं रोज रोज नहीं ले जाऊंगी। हाँ, जब भी होगा तो मैम दे देंगी स्कूल से। हाँ, स्कूल में ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है कभी कभी इतनी सारी तैयारियां करने के बाद भी नहीं हो पाता, पर कोई नहीं, जब भी होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना? स्कूल पे ऑलरेडी है तो फिर उसी को करेगी। ठीक है, तो मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए लंच।
हेलो गाइस, इधर है कानू और कानू खा रहा है क्या ये मेलोडी। और जो कानू की फेवरेट है हमेशा मेलोडी मिलेगी तो तीन चार साथ में खाते हैं ना। हाँ। यही तो करते हो आप, तो से हेलो बोलो। हेलो गाइस। आप स्कूल गए थे? हाँ। आपके स्कूल में क्या हुआ, पूरा दिन कैसा रहा आपका स्कूल का? अच्छा। अरे हाँ, है ना, बढ़िया। तो इनके लिए फटाफट करते हैं हम लंच रेडी, है ना। चलो फिर, मैं भी पीऊंगा। आप भी करोगे? ठीक है। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने रेडी कर दिया है बच्चों के लिए। इस पे दाल लगाई है और इधर है चावल, तो दोनों रेडी हो चुके हैं। अब बच्चों को कराऊंगी मैं लंच, क्योंकि उससे आने से पहले, स्कूल से आने से पहले मैंने इनको फ्रूट्स दे दिए थे, तो फिर उसके बाद अभी बच्चों को कराती हूँ मैं लंच और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, मम्मा मिले लंच निकाल रही है, खाने के लिए भी और आपके लिए भी। देखो आप खाना ही नहीं खाते हो, खाने के लिए तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना। अरे यार, वो अभी मैंने फ्रूट खा लिया ना। ये देखो मैंने इतना टेस्टी बनाया है ना, अरहर की दाल बनाई है और चावल बनाए। बच्चों को बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ता है। अभी कुछ और चीजें होती ना बाहर की, मैगी या फिर कुछ और भी। मेरी फेवरेट, मेरी फेवरेट दाल है ये। ये हाँ, तो इसलिए तो बनाए हैं। दोनों के लिए स्पून है ना। आ जाओ, मैं लगा रही हूँ टेबल पे। आ जाओ आ जाओ। ओके। तो जी लंच के बाद ये है स्वीट डिश, तो ये मेरा है। तो ये है नगीना के रसगुल्ले। सो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5:30 का टाइम हो रहा है और हम जस्ट चाय वाय पी के आए हैं अभी छत में कपड़े उठाने। सारे हवा से उड़ गए और कपड़े तो हमने समेट दिए हैं, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल सनसेट वाला व्यू हो रहा है। इधर हो रहा है सनसेट, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक झलक आपको सनसेट की दिखाती हूँ। और ये येलो शाइनिंग ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है पहले से ही। और मेरे साथ आ रही है जियो। हेलो जियो, कैसे हो जी? और अभी ना इतनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पे, बहुत ही मस्त। और एक बार मैं आपको सनसेट वाला व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है सच में। सो दोस्तों, अभी देखिए पूरा शहर कुछ ऐसा दिख रहा है सनसेट वाली लाइटिंग में। और इधर पड़ता है जंगल, तो यहाँ ना रात को ऐसी आवाजें आती है रात को, क्योंकि ऐसे जंगली जानवर यहाँ पे। टाइगर आता है साइड नहीं, मतलब ना आवाज भी बहुत आती है ना शाम में, आवाज आती है। और वैसे टाइगर वगैरह भी आते हैं यहाँ पर घूमते हैं। वही तो। सो अभी हम थोड़ा सा हवा में घूम लेते हैं, तो कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है बिल्कुल एकदम शहर। और मेरे साथ है जियो, तो थोड़ा मस्ती भी चल रही है हमारी, है ना। तो ऐसा हो जाता है, आजकल का डेली रूटीन यही बना पड़ा है हमारा। घर से पूरे दिन भर घर के काम, बस बाहर निकलने की फुर्सत अभी हुई है हमें, है ना। तो काम करना पड़ता है, लेकिन मेरा है, मैं स्कूल तो स्कूल जाती हूँ। ये है, तो कुछ ऐसा रूटीन बना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, तो इनकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। और अभी जियो बोल रही है कि अभी नहीं जाओगे आप अभी, है ना। अभी नहीं जाओगे क्योंकि, कब जाऊंगी फिर? बाद में जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे मतलब जब से मतलब आप आए हो, लेकिन लग नहीं रहा पाए मेरे दिन ना, मतलब इतनी जल्दी जा रहे हैं। तो जियो बोल रही है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप इतने टाइम यहाँ पर रुके हुए हो, क्योंकि अब जाना भी जरूरी है ना, काम भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है लाइफ में। तो इसलिए मतलब इतना आसान नहीं होता है सब कुछ मैनेज करना, यानी कि घर, बच्चे, जॉब, ये सब ना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कुछ न कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बच्चों को भी, मुझे भी, है ना। तो मतलब ऐसी कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए फिर थोड़ा हम भी हवा ले लेते हैं शाम की, तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। फोटो खींचो। खींच रही हूँ, देखो आ गया।
सो गाइस हम लोग घूम लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और रेडी मम्मा। हेलो 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 और शाम हो गई है और कम हेलो बोलो हेलो अच्छे से बात चलो नीचे चलते हैं। चलो चलते हैं तो सुबह से लेके शाम पता नहीं कब हो जाती है तो हमारा अभी डिनर रेडी हो रहा है जिसपे मैंने इधर चढ़ाई है तुरई की सब्जी तुरई और आलू और एक तरफ लौकी और हाँ और बच्चों को दे दिया है मैंने दूध और अभी स्कूल का काम करेंगे सोएंगे इनका हेडेक है मेरा नहीं है। ठीक है ठीक है मेरा काम तो है ही नहीं क्योंकि मुझे सुबह सब सोना है। चलो सो जाओ सोते नहीं है फोन देखते हैं बच्चे भी ठीक है आजकल के बच्चे ऐसे हो गए मैं फोन नहीं देखता। चलो फिर चलो चलो ठीक है तो आज के ब्लॉग को हम यही एंड कर रहे हैं। आई होप क्या करता आज का ब्लॉग कुछ नहीं था बस यही शेयरिंग थी कि दिन से लेके हमारी दिनचर्या कैसे हो जाती है सुबह से लेके शाम कैसे डल जाती है ना गलती से मिस्टेक हो गई। चलो फिर मिलते हैं बाय 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।